मैं भी जिंदा हूँ अभी, मैं वो बीवी नहीं हूँ। तो पत्नियां तो त्याग करती है ना? वो होगी पत्नियां। ये जन्म अभी दूसरी टाइप की पत्नियों का होने लगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके चालू आ चुके हैं आपके सामने। पसीने पसीने हो रखी है वैसे, बट फिर भी ब्लॉग बनाना है डेली। यह सोचते तो डेली है बट इस गर्मी में नहीं करते 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 थक गए हैं। आज फाइनली हम आ गए हैं आपके साथ नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग में आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। हालांकि विंटर सीजन के लिए हम कुछ सोच के रखे हैं समर सीजन में ही प्लान करके, क्योंकि कुछ बताना है। कैमरा घुमाते हैं फिर बताते हैं। बताओ। तो आज मेरे को ये ऐसा लग रहा है, अरे भूली नहीं आने का। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमको आम समर सीजन में बहुत पसंद होते हैं गर्मी में, ठीक है बेसिकली सबको पसंद होते हैं, पर ठंड में भी मन करता है कभी कभी आम खाने का, तो उस वक्त हमें आम नहीं मिलता है, तब हम उसके लिए क्या करें? माजा नहीं पीते, उसमें वो नहीं है। तो इसी ओरिजिनल आम से हम आम का आमावट बना रहे हैं विंटर सीजन के लिए, ताकि हमको उस टाइम भी ये आनंद अनुभव हो सके। वाह वाह। तो चलिए आज हम देखते हैं आम का अमावट बनाएंगे, आम पापड़ जिसे बोलते हैं। कैसे बनाना है चलो फटाफट बनाते हैं। इसको छील लूं पहले मैं इस आम को, ये पके हुए आम है, कच्चे नहीं है, ये लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम है। तो ये देखो इसको छील लो, इसके छिलके पतले हैं, लंगड़ा आम है इसलिए। इसको हम बढ़िया से ऊपर से छील के सले आम को अलग कर ले। कपड़ों में मत लगाओ सालू। गाली निकल गई दोस्तों, आई एम सॉरी, कहाँ से सीखा यार ये गंदी गंदी गालियाँ देना? संगत का सर है। अच्छा, यानी मैं भी सीख जाऊंगा दोस्तों। अरे यार पसीने चल रहे हैं, जल्दी जल्दी दोस्तों, मैं छील के मिल लूंगी। ये जरूर नमकीन बनेगा, इसका टेस्ट पहले बता देना। अरे तो क्या करे यार, क्या करे, कोई बताओ क्या करे, इतने पसीने में काम ये करोगे मत बनाओ। अब बोलोगे ऐसा पसीना पोछ पर तो क्या करूँ, पसीना तो आ ही रहा गर्मी है। तो चलो छील लो पूरा। फिर आम का सीजन जब स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो मैं एक भी दिन स्किप नहीं करता, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं आम नहीं खाता, क्योंकि सोचते सोचते फलों का सीजन ना ऐसे निकल जाता है यहाँ पे यार। अब देखो जामुन का सीजन आया, 10 दिन में जामुन मिलना बंद हो गया। लीची का आया, लीची भी 10 दिन ज़्यादा 15-20 दिन मिलता, फिर वो नहीं मिलने लगता, फिर वो अच्छा नहीं मिलता। बट आम का सीजन एक थोड़ा लंबा टाइम तक रहता है, और आम हमें मतलब अच्छा भी लगता है, हम दोनों को अच्छा लगता है, इसलिए एक भी दिन हम स्किप नहीं करते हैं आम खाने। जो आम मिलता है हम खाते रहते हैं। देखो क्या चालू, इसको छील लिया है मैंने। छील लिया तुमने? अब मैं इसको काट के ग्राइंड करूंगी। इसकी गुठली को क्या करना चाहते हो आप, खाओगे? नहीं, गुठलियों के दाम मिलते हैं तुम्हें पता नहीं क्या? आम के आम और गुठलियों के दाम यार। गुटली से, गुटली का मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। गुटली से दोस्तों मैं नया, ये नींद में लग रहा मुझे। गुटली से मैं नया पेड़ लगा, पेड़ निकालूंगा, उस पेड़ को लगाऊंगा। वैसे ही तुम्हें पता है पेड़ लोग काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही, गर्मी कितनी आ रही है, तुम्हें पता है ना। सो गए सब्सक्राइबर्स। चलो अब इस आम को अच्छे से मैं इसका पल्प निकाल लूं बढ़िया से, और बहुत टेस्टी है यार ये, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, ये ऐसे खा लो लग रहा है कच्चा चबा जाओ उसको, बट नहीं, इसको काट के बढ़िया से आम पापड़ बना के खाइए। हाँ अभी मैं इसको ग्राइंड करने के बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक। इसमें थोड़ा सा शक्कर, तो हमने कर लिया इसको ग्राइंड थोड़ी सी शक्कर डाल के, और अब हम इसे गर्म पैन में थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, पकाएंगे, स्टर करेंगे, स्टर। चल अच्छे से इसको अच्छे से पकाना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्या करूं चाट लूं, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे और 3 आम है यार, खा लेना, तो उसमें मजा नहीं है। टोटल में 20 kg आम लेके आया था ना यार, 3 ही आम का। चलो ये तो पक गया, ठीक है इसको अब हम बंद करें, जितना पकाना था
थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे क्या, हल्का सा? नहीं, घर में ही करते चालू, ठंडा नहीं होने देते। पता भी है तुमको कुछ? कौन बताया आपको? मैंने बताया। थाली में मैंने घी डाल लिया है और हम इसमें अच्छे से घी लगा दे। धूप में रखना है इसको फैला के, बट मेरे पास अभी धूप नहीं क्योंकि मैं इवनिंग में बना रही हूँ, तो मैं पंखे में रख दूंगी, सुबह रख दूंगी। पसीना आप देख रहे हो, शाम को बनाने में ये हालत हो रही है। क्या करें यार, जिंदगी ऐसी। एक मिनट, ये देखो खुशबू आ रही है, लंगड़े लंगड़े आम की। लंगड़े लंगड़े मतलब लंगड़े आम की। लो लो, मैं आपसे आता है ब्लॉग बनाना, अब मैं कैसे डालूं बताओ? मैं इधर से कैसे डालूं? इधर से डालो। जब, जब 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 कैमरे का मुंह ऐसा हो रहा है तो आपको इधर आ जाना चाहिए, ऐसे बनाओ कि दिखे भी। मेरा ये उल्टा हाथ नहीं चलता ना। बस हो गया, हो गया, उसको उतना साफ करने की नहीं जरूरत। कौन चाटेगा? ये देखो गिर गया। अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे पूरे में। दोबारा दिखाऊंगी आपको, तब तक के लिए यही पे राजीव अलविदा करेंगे। मैं निकलूंगी, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं बाद में। हालत हो गई खराब, आप तो देख ही सकते हो। और बस अब ये जैसे बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे जो हमारा एंड रिजल्ट होगा। दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये बन के तैयार हो गया है, जिसे हम अमावट भी बोलते हैं और आम पापड़ भी बोलते हैं। ये सूख गया है और अब हम इसको निकालते हैं और अब देखते हैं ये कैसा लगता है निकलने के बाद। ये मैंने भी पहली बार बनाया है, पहले मैंने नहीं बनाया है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा भी। तो लोड निकल जाए तो अच्छा ही है। घी ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा घी कम लगाना दोस्तों, ताकि उसमें फ्लेवर घी का नहीं आए, सिर्फ आम का हो। फिर मैं इसे पोंछ दूंगी टिश्यू से। ये देखो कैसा लग रहा है, आप बोलोगे कुछ? अच्छा लग रहा है कैमरामैन। खाने के बाद पता चलेगा ना यार, पहले खा तो लूं। दिखने में कैसा है? दिखने में तो कितना महंगा लेते हो आप, कितने रुपए में लेते हो जरा सा? 1000 का छोटा सा। फिर भाई यार, अरे देखो टूट गया। ऐसे ही कुछ आता 150 200 में लिए तो इतना कम था। इतने में 100 रुपए का किलो आम खरीद के खा लो, अच्छे बना लो। कौन सा, मैंने इसमें बहुत मेहनत की, कुछ नहीं लगता। गाँव गाँव में तो कितने सारे आम ऐसे ही वेस्ट होते हैं, तो लोग बना लेते हैं। पहले आ जाता था कहीं ना कहीं से, घर में थी जब मैं। अब दिल्ली NCR में तो कोई अमावट बना के देगा नहीं। अरे यार, तो बस हो गया ना, खींच दो इसको, डिजाइन देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं देना? अरे वैसे ही खा लूंगा। हर चीज आप ही के लिए नहीं होती, ऐसे ही खा लूं मैं तो। मैं भी जिंदा हूँ अभी, मैं वो भी नहीं हूँ। तो पत्नियां तो त्याग करती है ना? आ, वो होगी पत्नियां। ये जन्म अभी दूसरी टाइप की पत्नियों का होने लगा है। ये बन गया हमारा आम का पापड़। कैसा है? अच्छा, एकदम गोल बनाया है तुम। एक स्टाइल मार देते थोड़ा ऐसे ऐसे और ऐसे करके आप इसको दूरबीन का काम भी कर सकते। इतना बड़ा बना है हमारा आम का। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत। और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो ट्रांसपेरेंट और ब्यूटीफुल। इसमें जो एक्स्ट्रा घी ऑयल है, मैं अभी जाके टिश्यू से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये आम पापड़ की ज़रूरत है। और ये हम रिजर्व करके रख रहे हैं, हम ठंड में खाएंगे इसको। ऐसे ही मैं और बना लूँगी,
फिर हम आपसे मिलते हैं। आपको अच्छा लगा आप भी बनाइए, ठंड में रखिए, और जब खाना के बाद कभी मूड हो तो उसको थोड़ा थोड़ा सा खाइए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।